सात तीन दस और आठ अट्ठारह, ये इसका मान हो गया। किस पर? x बराबर माइनस एक रखने पर। अब हम सेकंड वो किसका मान मांग रहा है, x बराबर दो, तो x बराबर दो रखें, x बराबर दो रखने पर तो p दो बराबर आठ, दो का स्क्वायर माइनस तीन इंटू दो प्लस सात, आठ पहले घात खोलिए, गुणा दो का स्क्वायर किया तो कितना आ गया चार, तीन दूना छ प्लस सात, आठ सौ का बत्तीस माइनस सात वो माइनस छ प्लस सात, सात में से एक माइनस कर गया कितना बचा एक, बत्तीस और एक कितना हो गया तैतीस, ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए इसे थोड़ा सा और बड़ा है, उदाहरण नंबर दो, उदाहरण दो, बहुपद px बराबर दो एक्स क्यूब माइनस तेरह एक्स स्क्वायर प्लस सत्रह एक्स प्लस बारह, यह हमारा बहुपद है और इसमें का x बराबर माइनस एक बटे दो पर मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो। करना केवल आपको वही काम करना है कि x जहां पर भी है उसकी जगह क्या रख देना है हमको, माइनस एक बटे दो। तो रखिए x बराबर माइनस एक बटे दो रखने पर p माइनस एक बटे दो, दो इसका मतलब है बहुपद का मान हम माइनस एक बटे दो पर ज्ञात कर रहे हैं, माइनस एक बटे दो की घात तीन माइनस तेरह माइनस एक बटे दो की घात दो सत्रह इंटू माइनस एक बटे दो प्लस बारह। अब आप ये बटे से मत घबराइए, वही साधारण जो गुणा भाग आप करते हैं, दो का दो है ही गुणा, अब इसको हल कर लीजिए, अलग कर लीजिए, माइनस एक बटे दो की घात तीन का मतलब हो गया माइनस एक बटे दो माइनस एक बटे दो गुणा माइनस एक बटे दो, माइनस को माइनस से गुणा किया, प्लस प्लस को माइनस से गुणा किया तो क्या रह गया माइनस, अब एक गुणा एक करें, ऊपर का गुणा ऊपर और नीचे का गुणा नीचे, अंश का गुणा अंश से होता है, हर का गुणा हर से, दो दूना चार, चार दूना आठ। या यूं समझिए कि जब भी माइनस की घात यदि विषम में है तो हमेशा उस घात को खोलते समय साइन चिन्ह किसका आता है माइनस का, और सम घात को खोलते हैं तो माइनस का क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। जैसे अब देखिए ये तो ये हो गया, ब्रैकेट में लिख दें अपन माइनस तेरह, अब इसको हल करें माइनस एक बटे दो की घात दो, तो माइनस एक बटे दो गुणा माइनस एक बटे दो, वही सम संख्या में घात है तो माइनस गुणा माइनस करें तो क्या हो गया प्लस, एक गुणा एक किया तो एक, दो दूना चार, एक बटे चार। अब यहां पर कोई घात नहीं है तो इनको गुणा कर दें, प्लस को माइनस से गुणा करें तो क्या आ गया माइनस, सत्रह ऊपर है एक से गुणा होगा तो सत्रह कम सत्रह बटे दो प्लस बारह। इसको देखिए दो दो चौके आठ माइनस एक बटे चार माइनस, अब इसको गुणा कर लीजिए तेरह बटे चार माइनस सत्रह बटे दो प्लस बारह।
अब बटे में राशियां हैं तो एलसीएम लीजिए। सबसे बड़ी राशि क्या है हर में? चार। अब चार में चार का भाग जाता ही है, क्या दो का भी भाग जाता है? यदि जाता है तो सबसे बड़ी संख्या ही उसका एलसीएम हो जाती है। अब चार में चार का भाग दें, एक एक गुणा माइनस एक से करें, माइनस एक का चार का भाग दिया, एक गुणा तेरह करें, माइनस दो का भाग दिया, दो दूना चार, दो गुणा सत्रह करें, चौंतीस प्लस। अब यहां कोई भी संख्या नहीं है तो अपन बटे में एक लगा लें, एक का भाग दें तो कितनी बार आया? चार। चार गुणा बारह किया तो बारह चौके अड़तालीस। अब यहां देखिए, जो प्लस की संख्या है उनको एक साथ जोड़ लीजिए, माइनस की संख्याओं को एक साथ जोड़ लीजिए। एक किसका है? माइनस का। तेरह किसका है? माइनस का। और चौंतीस किसका है? माइनस का। यहां जो छोटी सी गलती आप करते हैं वो क्या करते हैं, इनके बीच के चिन्ह को देख लेते हैं, जोड़ देते हैं, जबकि चौंतीस किसका है? माइनस का, क्योंकि विपरीत चिन्ह सदैव क्या होते हैं? घटते हैं। तो पहले चिन्ह हमेशा संख्या के आगे होता है, ये ध्यान रहे। अब इनको जोड़ लें अपन, चौंतीस और तेरह जोड़िए, चार चौंतीस और तेरह कितने हुए? सैतालीस, और एक माइनस अड़तालीस प्लस अड़तालीस बटे कितने हो गए? चार। अब देखिए, माइनस अड़तालीस में से प्लस अड़तालीस गया तो कितना बचा? जीरो बटे चार। और जीरो में कोई भी संख्या का भाग लगाएं तो क्या आता है? जीरो। तो इसका आंसर हो गया हमारा जीरो। अब देखिए अगला उदाहरण है अपना तीन, बहुपद पी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस छ एक्स स्क्वायर प्लस ग्यारह एक्स माइनस छ का एक्स बराबर एक पर मान ज्ञात करो। तो अब तो आप अच्छी तरह से फटाक से हल कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं हो सकती। तो ध्यान दीजिए, वही अपना एक ही काम है, एक्स बराबर एक रखने पर। वो सीधा कह रहा है।